सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान को, इस रेड कलर के बटन को दबाएं और साथ में प्रेस कीजिए इस घंटी को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से T20 क्रिकेट आया है तब से बल्लेबाज पहले से और ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। दोस्तों, इसलिए आज हम मेरी इस वीडियो में बात करेंगे विश्व क्रिकेट के उन 7 तूफानी बल्लेबाजों के बारे में जो अगर एक साथ एक ही टीम में शामिल हो जाएं तो यह 7 खिलाड़ी मिलकर वनडे मैच में 600 रन का आंकड़ा भी छू सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन से हैं यह 7 तूफानी बल्लेबाज। दोस्तों, इस सूची में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा। दोस्तों, अगर बात की जाए रोहित शर्मा की तो इनके नाम वनडे क्रिकेट में अब तक 3 दोहरे शतक दर्ज हैं। यही नहीं, वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर भी रोहित शर्मा के ही नाम है और वनडे क्रिकेट की एक पारी में रोहित शर्मा 16 छक्के भी लगा चुके हैं। दोस्तों, इस सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज डेविड वार्नर। दोस्तों, अगर बात की जाए डेविड वार्नर की तो यह बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6 बार 150 या उससे भी ज़्यादा रनों की पारी खेल चुका है। यही नहीं, 2019 के IPL में भी डेविड वार्नर ने अपने बल्ले के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद को कई मैचों में जीत दिलाई थी। इसलिए आप इनसे भी उम्मीद कर सकते हैं कि यह बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके टीम को सहारा दे सकता है। इस सूची में तीसरे नंबर पर आते हैं दक्षिण अफ्रीका के सबसे शानदार बल्लेबाज ABD Villiers। दोस्तों, अगर बात की जाए ABD Villiers की तो इनके नाम पर वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक दर्ज है। ABD Villiers क्रिकेट के चारों ओर दर्शनीय शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 3 की पोजीशन पर ABD Villiers से ज़्यादा फिट बल्लेबाज कोई और नहीं हो सकता। दोस्तों, इस सूची में चौथे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर। दोस्तों, अगर बात की जाए जोस बटलर की तो यह भी वनडे क्रिकेट में पिछले कुछ समय से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की वनडे सीरीज में जोस बटलर ने 2 बार 60 या उससे कम गेंद खेलते हुए शतक लगाया था। यही नहीं, जोस बटलर वनडे क्रिकेट में मात्र 45 गेंदों पर भी शतक लगा चुके हैं। दोस्तों, इस सूची में 5वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहे ऋषभ पंत। दोस्तों, अगर बात की जाए ऋषभ पंत की तो इन्होंने IPL 2018 में बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी बल्लेबाजी से अपना दीवाना बना लिया था। यही नहीं, IPL 2019 में भी ऋषभ पंत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मात्र 27 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेली थी। दोस्तों, इस सूची में 6वें नंबर पर आते हैं वेस्ट इंडीज़ के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। दोस्तों, अगर बात की जाए आंद्रे रसेल की तो इन्हें भी अंतिम ओवरों का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। आंद्रे रसेल ने अंतिम ओवरों में मात्र 15 या 20 गेंद खेलकर 50 या 60 रनों की तूफानी पारी खेल सकते हैं। आंद्रे रसेल यही काम IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कई बार कर चुके हैं। यही नहीं, IPL 2019 में आंद्रे रसेल ने मात्र 14 मैचों में 52 छक्के लगा दिए थे। दोस्तों, इस सूची में 7वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया की ओर से खेलने वाले ऑलराउंडर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। दोस्तों, अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या की तो इन्हें भी अंतिम ओवरों का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माना जाता है। हार्दिक पांड्या ने कई मौक़ों पर अंतिम ओवरों में तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। हार्दिक पांड्या में भी वह दमखम मौजूद है कि यह अंतिम ओवरों में 10 से 15 गेंद खेलकर 40-45 रनों की पारी खेल सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर ये 7 खिलाड़ी एक साथ बल्लेबाजी के लिए आए तो वनडे क्रिकेट में 600 रन बना सकते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।